गुरुभ्यो नमः। ये दिल्ली चातुर्मास है, दिल्ली के प्रीतमपुरा के नरसिंह सेवा सदन में हो रहा है। आज द्वितीया की तिथि है, श्रावण के कृष्ण पक्ष की द्वितीया, और जैसा कि नियम है चातुर्मास में कुछ सत्संग करना चाहिए। और आप लोगों की मांग थी कि विवेक चूड़ामणि समझाइए, तो विवेक चूड़ामणि का पाठ आरंभ करने का अवसर है। पहले तो विवेक चूड़ामणि के बारे में चर्चा करें, और फिर क्रमशः ग्रंथ जैसे जैसे आगे बढ़ेगा भगवान शंकराचार्य जी जो कुछ कहना चाहते हैं इस ग्रंथ के माध्यम से उसको भी अपने लोग आत्मसात कर सकेंगे। ग्रंथ का नाम है विवेक चूड़ामणि। उच्चारण में थोड़ा समझना है, विवेक चूड़ामणि हम लोग एक उच्चारण करते हैं चूड़ाड़ा, लेकिन ये जो ड़ ओढ़ हिंदी के अक्षर हैं ये संस्कृत में नहीं है। सड़क, इस सड़क में जो ड़ बोल रहे हैं हम लोग ये संस्कृत में नहीं है। इसी तरह से रामगढ़, रामगढ़ में जो ढ़ बोल रहे हैं वो भी संस्कृत में नहीं है। क्या है संस्कृत में है ड़ और ढ़, है ना, घ ढ ध श ढ है, ज ब ग ड दस, जब गढ़ दस नहीं है, जब ग ड दस। तो इसलिए संस्कृत भाषा में ढ और ड ये नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे ड और ढ है। तो यहाँ चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि हम लोग बोलते हैं, ठीक है भाषा की दृष्टि से बोल देते हैं, लेकिन जब शुद्ध उच्चारण का अवसर आएगा तो चूंकि संस्कृत भाषा में ड़ा होता ही नहीं है, इसलिए चूड़ामणि शब्द उच्चरित नहीं होगा। क्या होगा? चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि। शुद्ध उच्चारण क्या है, ठीक है ना। इसीलिए आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे अगर जूम करके दिखाइए तो यहाँ पर चूड़ा, अगर अड़ा बोलना होता तो इसके अड्डा के नीचे एक बिंदु रखते हैं तब अड़ा होता है, यहाँ बिंदु नहीं रखा गया है, चूड़ामणि, ठीक है ना। तो ये विवेक चूड़ामणि है, विवेक चूड़ामणि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहली बात समझ में आ गई, जब संस्कृत के अनुसार आप उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, चूड़ामणि ही, और हिंदी में अपने लोग चूड़ामणि कह देते हैं, अधिकतर लोग संस्कृत में भी चूड़ामणि कहने लग जाते हैं, लेकिन इस तरह का ध्यान रखने से और अच्छा होगा। विवेक चूड़ामणि ही, ये शुद्ध उच्चारण है। ये जो विवेक चूड़ामणि ही है इसमें तीन शब्द हैं, एक है विवेक, दूसरा है चूड़ा, और तीसरा है मणि ही। तीनों को मिला दिया, समास कर दिया तो हो गया विवेक चूड़ामणि, ठीक है। तो सबसे पहले अपने लोग इनको समझ लें कि विवेक क्या है, चूड़ा क्या है, और मणि क्या है, ठीक है, तो फिर मिला करके समझने में सुविधा होगी। विवेक शब्द जो है उसकी व्याख्या करते हुए ग्रंथकार विद्वानों ने बताया है कि परस्पर व्यावृत्या वस्तु स्वरूप निश्चय विवेक, परस्पर की व्यावृत्ति से वस्तु के स्वरूप का जो निश्चय है उसका नाम विवेक है। माने दो वस्तुएं हैं, उनमें दोनों को भिन्न भिन्न कर देना
और भिन्न भिन्न करके दोनों के सच्चे स्वरूप का निर्धारण करना, इसी का नाम है विवेक। ये विवेक आवश्यक वस्तु है। इस संसार में सब कुछ एक दूसरे से मिला हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, विवेक करते हैं, विवेचना करते हैं, और विवेचना करके जो सही गलत होता है उसको साफ कर देते हैं। जैसे पुलिस के यहाँ कोई कंप्लेन होती है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, सबसे पहले जब आप जा करके FIR करेंगे, प्रथम से सूचना आख्या लिखवाएंगे, तो उस सूचना को प्राप्त करके सबसे पहला काम होगा अधिकारी का कि इसकी विवेचना का अधिकारी नियुक्त करें। तो सबसे पहले वो विवेचना अधिकारी नियुक्त करेगा, फिर वो विवेचना अधिकारी विवेचना करेगा। विवेचना करने के लिए क्या करेगा, पढ़ेगा क्या लिखा है, अच्छा इसमें सच क्या है झूठ क्या है। तो वो जा करके जितने लोग उससे संबंधित होंगे उन सबसे बात करेगा, और जो जो परिस्थितियां होंगी उनका भी विश्लेषण करेगा, और अंत में दूध का दूध पानी का पानी साफ साफ कर देगा कि इतना इसमें से सच है इतना इसमें से झूठा है। यही है विवेचना, और फिर वो आख्या देगा, उसी पर फिर आगे निर्णय होगा। तो ये विवेक का मतलब है विवेचना की बुद्धि, ये जिसमें होती है उसको विवेकी अथवा विवेकशील कहते हैं। ठीक है, तो व्यवहारिक विवेचना भी है। चावल दाल आपस में मिल गए हैं तो लोग चावल दाल को बीन बीन करके अलग कर देते हैं, अथवा चावल में कंकड़ मिल गए हैं तो हमारे घर की हर माता भोजन बनाने के पहले थाली में चावल को रख करके ऐसे ऐसे करके उसमें से क्या करती है, विवेक करती है। किस बात का विवेक, चावल चावल, पत्थर पत्थर, कंकड़ कंकड़, इन दोनों को विविक्त कर देती है, दोनों को अलग अलग छांट देती है। चावल भोजनीय है इसलिए उसको पका के खा लेती है, और पत्थर वो इस योग्य नहीं है इसलिए पत्थर को कंकड़ को उठा करके फेंक देती है। विवेचना की जरूरत है कि नहीं, कुछ भी करो उसमें आपको विचार करना पड़ता है क्या ग्राह्य है क्या अग्राह्य। जो ग्राह्य है उसको आप पकड़ते हैं, जो अग्राह्य है उसको छोड़ देते हैं, जो हेय है उसको छोड़ देते हैं, जो उपादेय है उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो ये जैसे व्यवहार में आपके विवेक शक्ति की आवश्यकता है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि क्या हेय है क्या उपादेय है क्या छोड़ने योग्य है क्या पकड़ने योग्य है, तो आप कैसे किसको छोड़ेंगे और किसको पकड़ेंगे। ये विवेक नहीं होगा तो जिसको पकड़ना चाहिए उसको छोड़ देंगे, और जिसको छोड़ना चाहिए उसको पकड़ लेंगे, और परिणाम क्या होगा, परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए विवेक बुद्धि व्यवहार की दृष्टि से भी और इसी तरह से परमार्थ की दृष्टि से भी आवश्यक है। ठीक है, इसलिए विवेक की जरूरत है। अब यहाँ वेदांत शास्त्र में यहाँ किस तरह किस चीज़ के विवेक की आवश्यकता है, तो बताया नित्यानित्य वस्तु विवेक। जो नित्य है और अनित्य है ऐसे दो पदार्थ हैं, और ये दोनों पदार्थ आपस में मिल करके इस संसार की रचना करते हैं। इसलिए वेदांत शास्त्र की तरफ आगे जो बढ़ रहा है उस व्यक्ति के लिए नित्य और अनित्य वस्तुओं को जानना जरूरी है, क्या नित्य है और क्या अनित्य है। नित्य का मतलब शाश्वत, जो सदा रहेगा, और अनित्य मतलब जो अभी है लेकिन आगे नहीं रहेगा, थोड़ी देर के लिए दिखता है लेकिन फिर रहता नहीं। ये जो नित्य और अनित्य का ज्ञान है इसी का नाम विवेक है। वेदांत शास्त्र में विद्वानों ने जांच करके परख करके बताया है कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। धर्मराजा अध्वरीन्द्र, उन्होंने वेदांत सार नाम का ग्रंथ लिखा है, वहाँ उन्होंने बताया ब्रह्मैव नित्यं वस्तु ततः अन्यद् अखिलं अनित्यम्। दो चीज़ें हैं, एक नित्य और एक अनित्य। जो ब्रह्म है वो नित्य है, शाश्वत है, अविकारी है, और जो उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है
माने 100-200-500 चीज़ें नित्य हैं, 100-200-500 चीज़ें अनित्य हैं, 1000-2000 नित्य हैं, 1000-2000 अनित्य हैं, उनकी सूची बनाई जाए, इतनी वस्तुएं नित्य हैं, इतनी वस्तुएं अनित्य हैं, कितना बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन बहुत सरल कर दिया उन्होंने, बता दिया कि एक नित्य है और बाकी सब उसके अलावा जितना कुछ भी है सब अनित्य है। ब्रह्मैव नित्यम वस्तु, ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, उससे अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, वो सब अनित्य है। तो अब नित्य अनित्य वस्तु का ज्ञान हमको चाहिए, उसी का नाम विवेक है, और ये विवेक हमारे पूर्व पुरुषों ने अध्ययन करके हमको बता भी दिए। अलग अलग दृष्टि है जिसकी, जैसे जो सांख्य शास्त्र के लोग हैं वो कहते हैं प्रकृति और पुरुष का विवेक, ये विवेक है। जो मनुस्मृति आदि स्मृतिकार हैं वो कहते हैं धर्माधर्म का विवेक, क्या धर्म है क्या अधर्म है। कर्मणांच विवेकार्थम धर्माधर्मो विवेचयेत, अपने कर्म के निर्धारण के लिए कि मैं क्या करूं, इसके लिए धर्म और अधर्म का विवेचन करना चाहिए, धर्म और अधर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उसका विवेक होना चाहिए। जिसको धर्म का ज्ञान होगा वो धर्माचरण करेगा, जिसको अधर्म का ज्ञान होगा वो अधर्म नहीं करेगा, बचेगा उससे। कोई कहेगा ये करो तो वो विचार करेगा कि जो कार्य करने के लिए हमको कहा जा रहा है वो धर्म है कि अधर्म है। अगर वो धर्म होगा तो कहेगा हाँ हाँ ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, करता हूँ, इससे तो मुझे लाभ होगा। और अगर वो अधर्म होगा तो कहेगा क्षमा करिए, आपने कहा लेकिन मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये अधर्म है। क्यों? क्योंकि इसके आचरण से मुझे दुर्गति भोगनी पड़ेगी, मेरी सद्गति नहीं होगी। तो इसीलिए हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, विवेक अलग अलग वस्तुओं का करेगा, लेकिन विवेक की ज़रूरत सबको है। आप बोलने चल रहे हैं, क्या बोलें क्या ना बोलें, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाँव, बात ही तो है जो आप अपने श्रीमुख से बोलते हो। आपकी बात का ही परिणाम होता है कि कोई कोई आपको हाथी पे बैठा देता है कि नहीं नहीं आइए, आपका सम्मान है, हाथी पे बैठ के इनकी शोभा यात्रा निकालो। और बात ही तो है, कोई बोल देता है और किसी को बुरी लग जाती है, कहता है इसको हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दो, तो बात से ही हाथी मिलती है और बात से ही हाथी का पाँव मिल जाता है। ये तो बात है, इसलिए बोलने के पहले आपके पास इस बात का विवेक होना चाहिए कि क्या बोलने से लाभ होगा और क्या बोलने से हानि होगी। ये जो लाभ हानि का विवेक है, यही विवेक। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वस्तुओं का विवेक होता है, लेकिन विवेक शक्ति की आवश्यकता सर्वत्र है। ये विवेक शब्द ही बहुत महत्वपूर्ण है। विचार कहो, विवेचना कहो, विवेक कहो, ये सब जो है बहुत आवश्यक हैं, और इन्हीं के द्वारा किसी भी वस्तु के सच्चे स्वरूप का निर्धारण अवधारण किया जाता है। किसी भी वस्तु के सच्चे स्वरूप का ज्ञान आपको कैसे होगा? जब आप विवेचना करेंगे, जब आप विचार करेंगे, विवेक संपादित करेंगे। इसलिए विवेक जरूरी है। विवेक शब्द का जो निर्माण है वो विचिर धातु से होता है, विचिर विचारणे, ये धातु है, इसी धातु से वि उपसर्ग पूर्वक विचिर विचारणे धातु से घ प्रत्यय करने पर विवेक शब्द की निष्पत्ति होती है। ग्रंथों में कहा गया है विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात सदमुखः, जो विवेक से भ्रष्ट लोग हैं, जिनके पास विवेक नहीं है, उन ऐसे लोगों का क्या होता है? भवति विनिपात सदमुखः, सतमुख विनिपात होता है, माने गिरते तो हैं, सौ तरफ से गिरते हैं, माने सौ तरफ माने हर तरफ से, वो कभी भी ऊपर नहीं जा सकते, नीचे ही गिरेंगे। भवति विनिपात सतमुखः विवेकम् भ्रष्टानाम, जिनका विवेक भ्रष्ट हो गया
उनका पतन हो जाता है, और जिनका विवेक जागृत हो गया उनकी उन्नति हो जाती है। कहा गया है ते धन्यास्ते विवेकज्ञाः ते शस्या इह भूतले आगच्छन्ति गृहे येषां कार्यार्थं सुहृदो जनाः। वही विवेकी हैं माने जो विवेकी होगा उसके पास लोग आएंगे, और जिसके पास विवेक नहीं होगा उससे लोग परहेज रखेंगे। भगवान शंकराचार्य जी आगे विवेक चूड़ामणि में ही अपने लोग जब आगे बढ़ेंगे तो बताते हैं कि विचार की बड़ी आवश्यकता है। अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नाने न दाने न प्राणायाम शतेन वा। देखिए, किसी भी तात्पर्य का निर्धारण, किसी भी अर्थ का निश्चय विचार से होता है, विवेक से होता है। हितोक्तितः, और ये जो विचार ये विवेक है ये कैसे जन्मेगा, का हितोक्तितः, कोई हित बोलने वाला अगर होगा वो बता देगा। स्नान से, दान से और सैकड़ों प्राणायाम से ये कार्य नहीं हो सकता। ये कार्य कैसे होगा, हितोक्ति से विचार उत्पन्न होगा और विचार से विवेक का जन्म हो जाएगा। ये जो हितोक्ति है ना, यही हितोक्ति विवेक चूड़ामणि, हमारे हित के लिए हमारे गुरु महाराज के द्वारा कही गई उक्ति, इसी का नाम है हितोक्ति। इसी को हितोपदेश भी कहते हैं। ये जो हितोपदेश है वही विवेक चूड़ामणि ग्रंथ है। हमारे हित के लिए भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा कहा गया, हमारे विवेक को जागृत करने के लिए उनके द्वारा बताया गया जो ज्ञान, उसी ज्ञान को कहते हैं विवेक चूड़ामणि। ठीक है, अब चूड़ामणि क्या है? विवेक तो आप जान गए, किसी भी वस्तु को विविक्त करना, छांट छांट करके रख देना, स्क्रीन करना। यहाँ वेदांत शास्त्र में नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक ही यहाँ विवेक शब्द से कहा गया। चूड़ामणि क्या है? तो चूड़ामणि माने चूड़ा में जो स्थित मणि है उसी का नाम चूड़ामणि है। चूड़ा स्थितो मणि चूड़ामणि, चूड़ा एक जगह है, उस जगह पर जो मणि रखा गया है उसी उसी मणि का नाम चूड़ामणि। मणि का नाम उसके धातु के नाम पर भी है, लेकिन कभी कभी उसको स्थान के नाम से भी कहा जाता है। तो मणि कई प्रकार के हैं, लेकिन चूड़ा पर जो मणि रख दिया गया उसका नाम चूड़ामणि होता है। यहाँ स्थान के आधार पर मणि का नाम किया गया। चूड़ा क्या है, चूड़ा शब्द का क्या अर्थ है? तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली नाम का जो न्याय ग्रंथ है उसके रचयिता ने जो मंगलाचरण किया है उसमें चूड़ामणि शब्द का प्रयोग किया है। चूड़ामणि कृत विदुर वलई कृत वासुकिः भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः। चूड़ामणि कृत विदु, यहाँ च्वि प्रत्यय का प्रयोग किया गया, अचूड़ामणि को चूड़ामणि बना दिया। चूड़ामणि कृत विदु, जिसने विदु माने चंद्रमा को अपने चूड़ा का मणि बना लिया। वलई कृत वासुकी ही, वासुकी नाम के नाग को जिसने माला बना लिया। भवो ऐसे भव, भवतु भव्याय हमारी भव्यता के लिए वे हों। लीला तांडव पंडितः, तांडव नाम की जो लीला है नृत्य है उसके जो पंडित हैं, समझ गए? लीला के तांडव में कौन तांडव की लीला में कौन पंडित है? शिव जी हैं, तांडव नृत्य करते हैं।
ठीक है, वैसे तांडव नृत्य दूसरे देवता भी करते हैं लेकिन पंडित वही है ना, लीला तांडव के पंडित सबसे बड़े ज्ञाता, इसलिए उनका जो तांडव नृत्य है उसकी बात ही अलग है, अन्यथा तो तांडव नृत्य कोई भी करता है, लोग भी कर देते हैं, अखबार में छपता है कि अमुक का तांडव नृत्य, तो वो भी तांडव नृत्य करते हैं, लेकिन उनके तांडव नृत्य के कारण उनको पहचान नहीं बनती है। तांडव नृत्य के कारण तो एक ही की पहचान है और वो है हमारे भगवान शिव। वो जो शिव जी हैं उन्होंने क्या किया, चूड़ामणि कृत विधु, विधु माने चंद्रमा को अपना चूड़ामणि बना लिया। तो आप समझ गए चूड़ा का मतलब क्या है, चंद्रमा तो मणि हो गया और उसको उन्होंने चूड़ामणि बना लिया, तो चूड़ा क्या हो गया, चीड़ा का मतलब नहीं, चूड़ा का मतलब भगवान शिव ने चंद्रमा को चूड़ामणि बनाया, तो चंद्रमा तो मणि है उसको चूड़ा बनाया, चूड़ा कौन सी जगह हो गई, माने मस्तक के ऊपर का जो स्थान है उसी का नाम है चूड़ा, ठीक है। तो चूड़ामणि कृत विधु वलई कृत वासुकी ही, ये चूड़ामणि, चूड़ा शब्द जो है वो सिर का मध्य भाग, ये जो सिर का मध्य भाग है इसी का नाम है चूड़ा। असल में चूड़ामणि एक योग भी है, अपने ज्योतिष शास्त्र में एक चूड़ामणि योग होता है। चूड़ामणि योग की क्या विशेषता है कि अगर रविवार को सूर्य ग्रहण हो और सोमवार को चंद्र ग्रहण हो तो इस योग को चूड़ामणि योग कहते हैं, माने वैसे चूड़ा ही बहुत महत्वपूर्ण है, उसी में मणि भी योग है, मणि कांचन संयोग जैसे कहते हैं ना कि सोना भी है उसमें मणि भी लग गई तो और ज़्यादा शोभा बढ़ गई, ऐसे चूड़ा में मणि आ गई तो और शोभा बढ़ गई, चूड़ा से ही शोभा बढ़ जाती है। चूड़ा माने जूड़ा, आजकल अपने हिंदी भाषा के लोग जूड़ा जूड़ा बांधते हैं, पाल को ऐसे ऊपर उठाया, उठा करके ऐसे बांध दिया तो बीच में क्या हो गया, जूड़ा। अब हमारी बहनें माताएं भी बांधती हैं जूड़ा, लेकिन वो नीचे की तरफ बांधती, और जो साधु संत हैं वो ऐसे करके यहाँ ऐसे बीच में बांध देते हैं, वो जो बीच में बांध देते हैं उसी का नाम है जूड़ा। और उसमें अगर कोई मणि लगा दिया जाए तो जैसे मुकुट में मणि होती है वैसे जूड़ा में मणि हो गई, तो चूड़ामणि, उसी जूड़ा को संस्कृत भाषा में चूड़ा कह रहे हैं, मूल बात ये। सूर्य ग्रह सूर्य बारे सोमे सोम ग्रहस्तथा चूड़ामणिरयम योगः तत्रानन्तं फलं स्मृतम्। रविवार को सूर्य ग्रहण हो सोमवार को चंद्र ग्रहण हो तो इस परिस्थिति को चूड़ामणि योग कहते हैं, इसमें बहुत बड़ा है, वैसे तो ग्रहण का ही बहुत बड़ा फल है, लाखों की संख्या में जिस मंत्र का जप करना है अगर केवल ग्रहण काल में उसका जप कर दिया जाए तो पुरश्चरण जैसा फल मिल जाता है, इतना तो ग्रहण का ही फल है, लेकिन वही ग्रहण अगर सूर्य ग्रहण सूर्यवार को हो चंद्र ग्रहण सोमवार को हो तो चूड़ामणि योग हो जाता है। कहा गया है अन्यस्मात् ग्रहणात् कोटि गुणमत्र फलम लभेत, अन्य ग्रहण से जैसे मंगलवार को ग्रहण सूर्य ग्रहण हो बुधवार को हो शुक्रवार को हो शनिवार को हो उसमें जितना फल होता है उसका करोड़ गुना फल सूर्यवार के सूर्य ग्रहण में होगा, इसी तरह से अन्य किसी दिन के चंद्र ग्रहण से अधिक फल सोमवार के सूर्य चंद्र ग्रहण में होगा। ये चूड़ामणि योग है, इस चूड़ामणि योग से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि चूड़ामणि का कितना महत्व है। सामान्य ग्रहण से चूड़ामणि योग वाला जो ग्रहण है उसका करोड़ कोटि गुना फल हो जाता है, उसी तरह से चूड़ामणि का बड़ा महात्म्य है। असल में हमारे यहाँ एक चूड़ा करण संस्कार होता है, अपने यहाँ संस्कार बताए गए हैं ना, कहीं पे 48 संस्कार बताए हैं, कहीं पे 40 संस्कार बताए हैं, कहीं पे 32 संस्कार बताए हैं, कहीं 16 संस्कार बताए हैं, कहीं 10 संस्कार बताए हैं। ये जो हमारे संस्कार हैं इन संस्कारों में से एक संस्कार है चूड़ाकरण संस्कार। चूड़ाकरण हमारे यहाँ होता है जिसको मुंडन भी कहते हैं,
मुंडन संस्कार। तृतीये पंचमे देवा स्वकुलाचारतो हितम चौलम शिशूनाम यत्नेन स्वगृहीयोक्त विधानतः। वशिष्ठ स्मृति का वाक्य है कि जन्म से तीसरे पंचमे वर्ष में, अथवा अन्यत्र अनेक स्मृतिकारों में भिन्नता है, कोई कहते हैं एक वर्ष में भी हो जाता है, कोई कहते हैं गर्भ से जोड़ करके तीसरा पंचवा देख लेना चाहिए, जो भी हो मूल बात यह है कि मुंडन संस्कार प्रत्येक हिंदू का होता है। ये जो मुंडन संस्कार है ये दो तरह का होता है, मुड़ तो कोई भी मुड़ा लेता है ना भाई, बाल आपके बढ़ गए, गर्मी लगने लगी, खुजली होने लगी, तो आप क्या करेंगे, मुड़वा लेंगे, बाल मुड़वा लेंगे। मुड़ मुड़ाए पांच तीन गुण, सिर की मिट गई खाज और खाने को हलवा मिले लोग कहें महाराज। मुंडन कराने से बड़ा फल है ना, एक तो सिर की खाज मिट गई और लोगों ने समझा कि महात्मा है, मुंडन करा के आए, इसलिए खाने के लिए हलवा परोस दिया और महाराज महाराज कह रहे हैं, महाराज जी और लीजिए, महाराज जी और लीजिए, ये मुंडन कराने का आनंद। तो ये मुंडन जो है ये इस तरह से होता है। लेकिन बंधुओं, ये मुंडन दो तरह का बताया गया है, एक वैदिक मुंडन है और एक अवैदिक मुंडन। वैदिक मुंडन में और अवैदिक मुंडन में क्या अंतर है? अंतर यह है कि वैदिक मुंडन में चूड़ाकरण होता है और अवैदिक मुंडन में चूड़ाकरण नहीं होता है। जो सुखार्थ मुंडन कराया जाए वो अवैदिक मुंडन, कि खुजली बुजली हो रही थी, गर्मी हो रही थी तो मुड़ा दी, लेकिन जो वैदिक मुंडन है वो सिरो मध्य भाग में, सिर के मध्य भाग में माने चोटी की जगह पे चोटी छोड़ करके बाकी मुड़ाया जाएगा, माने वो वैदिक मुंडन कहलाएगा, वो धार्मिक मुंडन है, उसमें चूड़ाकरण होगा, उसमें चोटी नहीं छोड़ी जाएगी, चोटी नहीं काटी जाएगी, मुड़ी नहीं जाएगी। ये जो बाल हैं इनको चूल कहा जाता है, संस्कृत भाषा में चूल भी है शब्द इसके लिए, बंगाली में तो अभी भी चूल कहते हैं, बंगाल के लोग बाल को बाल नहीं कहते, चूल कहते हैं, वो चूल कटवाते हैं, तो चूल से जो होता है उसी का नाम है चौल, इसीलिए चूड़ाकरण संस्कार को चौल संस्कार भी कहते हैं, माने इसमें चूली चौल बनाया जाता है, चुंडी बनाई जाती, कोई चुंडी कहता है, कोई चौल कहता है, कोई चोटी कहता है, जो भी कहे, अलग अलग शब्दावली है, लेकिन जो वैदिक मुंडन है इस वैदिक मुंडन में चूड़ाकरण होता है, इसमें चोटी बीच में बट करके बांध दी जाती है तो ऐसे दिखती रहती है, ठीक है ना, तो वो मुकुट जैसा बन जाता है, तो चोटी जो है वो मुकुट जैसी बन जानी चाहिए। जैसे देखिए इनकी, हमारे चित प्रकाश ब्रह्मचारी जी हैं, दिखाओ इनका, ऐसे ऐसे जैसे हो ऐसे बैठे रहो, दिखाओ, आप कुछ मत दिखाओ, वही दिखाएंगे, दिखा दो भैया, इनकी जो चोटी है वो कैसी बंधी हुई है और कैसे, देखिए थोड़ा नीचे सिर करिए, ये देखिए मुकुट की तरह से लगी हुई है कि नहीं, इसी का नाम है चूड़ा। तो ये चूड़ाकरण हुआ है, ये हमारे संस्कार हैं, और जिसका ये नहीं है उसका चूड़ाकरण संस्कार नहीं माना जाएगा। तो हमारे यहाँ जब कोई मुंडन हिंदू कराता है, अब ऊपर कर लो भैया, हमारे यहाँ जब कोई मुंडन कराता है तो चूड़ाकरण होता है, चोटी छोड़ी जाती है, उसको बांध करके दिखाया जाता है, ठीक है ना, इसीलिए चूड़ाकरण। चोलयति इति चूड़ा मस्तकाद्युपरि उन्नता भवतीति चूड़ा, मस्तक के ऊपर
एक ऐसे ऊंचा सा दर्शन चोटी का होने लग जाता है, इसीलिए उसका नाम है चूड़ा। शिखा चूड़ा केशपाशी जूटिका जुटिकेत्यपि शिरो मध्य बद्ध चूड़े भवे दे तत्तु पंचकम। पांच नाम से इनको बुलाया जाता है। इसको सुख कोई शिखा कहते हैं, कोई चूड़ा कहते हैं, कोई केशपाशी कहते हैं, कोई जूटिका या जुटिका भी कहते हैं। ये पांच तरह से शिरो मध्य बद्ध, सिर के मध्य में जो बंधी हुई बालों की, बंधा हुआ बालों का गुच्छा है, उसी का नाम चूड़ा है, उसी का नाम शिखा आदि भी कहा जाता है। अन्यत्र बताया गया है, कबरी केशवेशोथ धम्मिल्लह संयता कचाह शिखा चूड़ा केशपाशी व्रतिनस्तु जटा सटा। बालों के अलग अलग प्रकार हैं और उन प्रकारों के आधार पर बालों के नाम। कबरी केशवेशोथ, कबरी केशवेश माने बाल को ही जब अपने वेश बना लिया, सजा लिया, ऐसे कुछ बांध बांध करके ऐसे कर लिया, तो उसका नाम हो गया कबरी। बालों में से ऐसे अलग अलग तरह का गुच्छा गुच्छा बना के कुछ सजा लेते हैं, तो वो हो गया कबरी। और धम्मिल्लह संयताह कचाह, बाल बड़े बड़े हैं और उनको इकट्ठा करके लटका दिया, तो क्या हो गया धम्मिल्ल। धम्मिल्ले तबदे विहे मकुसुमान्याथाय बालस्थले मुक्ताराज विराज। जो हम लोग भगवती त्रिपुर सुंदरी की मानस पूजा करते हैं, उसमें भगवती के बाल धो देते हैं, तो बाल में धूप आदि लगा दिया, सुगंधित कर दिया, उसके बाद उसको सजाते हैं। धम्मिल्ले तब देवी हेम कुसुमानी, हे माँ तुम्हारे धम्मिल्ल में, वो धम्मिल्ल क्या है, वो संयता है कचा है, बालों का जो पूरा का पूरा झुंड है उसका नाम है धम्मिल्ल। उस धम्मिल्ल में हम हेम कुसुमानी याद आए सोने के फूल सजा रहे हैं। तो वो जो संयत कच है माने पूरे बाल ऐसे, वो धम्मिल है। शिखा चूड़ा केशपाशी, जो शिखा है मध्य भाग में समेट करके बांधी गई, उसका नाम है चूड़ा अथवा केशपाशी। और व्रतिनस्तु सटा जटा, जो व्रति हैं जिन्होंने बाल न संवारने का नियम ले लिया है। बाल संवारना जो है ये अलग वस्तु है, जो व्रति नहीं है वो करते हैं और जो व्रति हैं वो बाल संवारते नहीं। तो जब बाल संवारेंगे नहीं तो बाल एक दूसरे में सट जाएंगे, वो जो सटे हुए जो बाल हैं उनका नाम होगा जटा। व्रतिनस्तु सटा जटा, तो ये बालों की अलग अलग परिस्थिति में उनके नाम भी अलग अलग हो जाते हैं, इसी का नाम है चूड़ा, जो सिर के मध्य भाग में बांध करके ऊंचा मुकुट जैसा बना दिया गया। ठीक है, इसका मतलब है कि जो सनातन धर्मी है वो हर समय मुकुट धारण किए रहता है, नहीं सम्मान है उसका, बिना मुकुट का नहीं। जैसे राजा बिना मुकुट का नहीं होता है, उसी तरह से हर सनातन धर्मी हर समय अपने माथे पर चूड़ा बनाए रहता है, माने मुकुट धारण किए रहता है। जिसके माथे में चूड़ा ना हो उसका माथा धार्मिकों की दृष्टि में शोभायमान नहीं माना जाता। ठीक है, जिसके माथे में मुकुट ना हो वो शोभायमान कैसे होगा, इसलिए सबके माथे में मुकुट होना चाहिए। ये भी शोभा है, मुकुट है, कभी नहीं हटता। अब आप कहेंगे कि आपके हिंदू धर्म में ठीक है, आपने बताया कि चोटी नहीं काटी जाती है, मुंडन कर किया जाने पर चोटी को जट चूड़ा के रूप में विद्यमान रखा जाता है, वही मुकुट है आदि आदि आप बता रहे हैं। लेकिन महाराज जब संन्यास लेते हैं तब तो चोटी उखाड़ देते हैं, तब चूड़ा कैसे बनेगा? तो आपको बताना चाहेंगे,
कि भगवान शंकराचार्य जी इसीलिए विवेक चूड़ामणि दे रहे हैं कि अब तुम सन्यासी हो रहे हो, अब तुम्हारा ये तुम्हारी ये जो चूड़ा है ये हटेगा, इसलिए अब तुम्हारे पास विवेक रूपी चूड़ा होनी चाहिए, है ना। तो विवेक रूपी चूड़ा अब आपके पास आ गई, अब दिखाने की जरूरत नहीं है, अब अंदर चूड़ा। जैसे चोटी में जो शोभा है वो उस किसके लिए है जो देखेगा आपको, लेकिन देखने मात्र से तो काम नहीं चलेगा, फिर वो आपसे व्यवहार करेगा, तो जब व्यवहार करेगा तब आपकी दिखावटी जो शोभा है वो काम नहीं आएगी, तब तो विवेक रूपी जटा अगर आप चूड़ा अगर आपके पास है तब वही काम आए। इसलिए चूड़ा से शोभा नहीं है, शोभा तो मस्तिष्क में विवेक शक्ति के होने से है, ये बात। इसीलिए भगवान शंकराचार्य चूड़ामणि हम लोगों को बना करके दे रहे हैं, विवेक रूपी चूड़ा तुम दे दो, उसमें हम मणि लगा देते हैं ग्रंथ रूपी में, विवेक चूड़ा। शोभा है अलग अलग तरह की होती है, राजा जो है वो सोने का मुकुट पहनता है, ठीक है, लेकिन जो हमारा आदिवासी है वो फूल के मुकुट पहन लेता है, दोनों की शोभा तो बढ़ी जाती। जो विद्वान है वो कहते हैं कि ये मुकुट उकुट से कुछ शोभा नहीं है, कितना पहन करके आओ, चाहे फूल का मुकुट पहन के आ जाओ, चाहे सोने चांदी का मुकुट पहन के आओ, चाहे रत्नों का मुकुट पहन के आ जाओ, किसी भी सभा में जाओगे तो तुम्हारी शोभा तब होगी जब तुम्हारे अंदर वाक शक्ति होगी। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम, न कुसुमम न अलंकृता मूर्तजा, वाण्येका समलंकरोति पुरुषम, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम् वाग्भूषणम् भूषणम्। विद्वानों की दृष्टि में ये सोने चांदी के मुकुट की कोई कीमत नहीं, वो कहते हैं कि वाग भूषणम भूषणम, जो वाणी है वही आपको भूषित कर सकती है। किसी सभा में आपको सोना चांदी का पहन करके चले जाएं और बैठे रहें और जब बोलने का मौका आए तो आप ना बोल पाए तो क्या होगा सभा में। अगर प्रसंगानुरूप सही बात आप नहीं बोल पाएंगे तो आपका सम्मान होगा, और अगर कोई मुकुट ना हो आपके पास सोने चांदी का, लेकिन प्रसंग के अनुरूप उत्तम वाणी अगर आप बोल सकते हैं तो क्या होगा, सारी सभा करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन करेगी, खड़े होकर के अपनी जगह पर आपका अभिनंदन करेगी, जयकारा आपका लगाएगी, तो भूषण कौन सा हुआ, आभूषण भूषण हुए कि वाग भूषण भूषण हुआ। कहना होगा कि सभा में तो वाग भूषणम भूषणम, वाणी का भूषण ही भूषण है, बाकी सब क्षीयन्ते खलु भूषणानि, सारे आभूषण व्यर्थ हो जाएंगे, वाणी ही एकमात्र आभूषण है, इसलिए अपनी वाणी को सुसंस्कृत करना चाहिए। तो विद्वानों की दृष्टि में वाणी ही भूषण है, ऐसे ही हमारे गुरु महाराज की दृष्टि में विवेक ही भूषण है। खूब बड़ी बड़ी वाणी हो, लच्छेदार अच्छी अच्छी शेरो शायरी हो, अच्छे अच्छे श्लोक हो, अच्छी अच्छी बातें कोटेशन हो, अनुप्रास यमक श्लेष अलंकार हो, ऐसी वाणी भी विवेक शक्ति जिसके पास नहीं है उसके लिए व्यर्थ ही है। नहीं कहते हैं ना कि जैसे बरनत युद्ध के रस सिंगार न सोहार, नीकी हु फीकी लगे बिन अवसर की बात, और जैसे बरनत युद्ध के रस सिंगार न सोहार। अच्छी वाणी भी होगी लेकिन प्रसंग अगर उसका नहीं होगा और उस समय आप उसको बोलोगे तो वो शोभायमान नहीं होगी। इसका मतलब है इस बात का विवेक भी होना चाहिए कि किस समय कौन सी वाणी हमको बोलना है। केवल वाणी से नहीं होगा कि खूब बढ़िया तैयार कर लिए, बल्कि किस समय किस वाणी का प्रयोग करना है,
उसका भी विवेक होना चाहिए। इसलिए विवेक शक्ति को भगवान कहते हैं ये चूड़ा की मणि है। आपका जो चूड़ा है उस चूड़ा की मणि क्या है? सोना नहीं, चांदी नहीं, चोटी के बाल नहीं, आपके चूड़ा की मणि आपकी विवेक शक्ति है। इसलिए विवेक शक्ति को जागृत करिए, ऐसा कहने के लिए भगवान शंकराचार्य आगे बढ़ रहे हैं और वो अपने ग्रंथ का नाम विवेक चूड़ामणि कह रहे हैं। गीरवाणवाणी वदनम मुकुंद संकीर्तनम, गीर्वाणवाणी वदनम मुकुंद संकीर्तनम चेत्युभयम हि लोके सुदुर्लभम। एक मुग्ध बोध व्याकरण है, कई तरह के व्याकरण हैं, कातंत्र व्याकरण आदि, उसमें एक मुग्ध बोध व्याकरण है। मुग्ध बोध व्याकरण के रचयिता मुग्ध बोध व्याकरण के शुरुआत में लिखते हैं कि देखिए ये जो दो तरह की वाणी है वो बहुत दुर्लभ है। एक तो गीर्वाण वाणी, देवताओं की भाषा, उसमें बोलना, संस्कृत भाषा में बोलना, ये दुर्लभ है। और दूसरे मुकुंद संकीर्तनम, भगवान के नाम लेना। आदमी मूर्ख हो और उसको बोलने का मौका आए तो भगवान का नाम बोले, कि बाकी क्या बोलना है, भगवान नाम का उच्चारण करूँगा। और अगर विद्वान हो तो संस्कृत बात, संस्कृत वाणी बोले, सुसंस्कृत वाणी बोले, नहीं तो बोलने का मतलब क्या है। इसलिए गीर्वाण वाणी वदनम और मुकुंद संकीर्तनम, ये दो जो चीज़ें हैं ये दुर्लभ हैं। इसलिए या तो भगवान का नाम बोलो और या तो सुसंस्कृत वाणी बोलो। ये बीच वाली जो बातें हैं, कितना तो भगवान का नाम लिया और ना तो सुसंस्कृत वाणी बोली, अब पता नहीं क्या क्या जिंदगी भर बोलते रह गए। ऐसे बोलने से न बोलना अच्छा, मौन धारण कर ले आदमी तो अच्छा है, बोलने का मौका मिले तो ये बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं विवेक शक्ति जागृत करो, इसकी बड़ी जरूरत है। जो सामान्य लोग हैं वो आभूषणों से अपने आप को शोभायमान बनाते हैं, जो विद्वान लोग हैं वो सुसंस्कृत वाणी को बोल करके अपनी शोभा बनाते हैं, जो तपस्वी लोग हैं वो तप करके अपनी शोभा बनाते हैं, इसी तरह से जो ज्ञानी है वो विवेक शक्ति को जागृत करके अपने आप को शोभायमान बना लेता है। नित्यानित्य वस्तु विवेक, इसकी बड़ी जरूरत है। इसलिए ज्ञानी का सर्वोत्तम आभूषण क्या है, अगर कोई पूछे आप लोग क्या बताएंगे? विवेक। एक ज्ञानी का सर्वोत्तम आभूषण विवेक है, इसलिए विवेकी बनो। ये एक संस्कार हमने बताया, चूड़ामणि, चूड़ाकरण एक संस्कार। गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्मच नाम क्रिया निष्क्रमणे नाशनम वपन क्रिया कर्ण वेदो व्रतादेशो वेदारंभ क्रिया विधि के शांत स्नानम उद्बाहो विवाहाग्नि परिग्रह त्रेताग्नि संग्रहश्चैव संस्कारा षोडश स्मृताः। व्यास स्मृति में भगवान व्यास जी ने 16 संस्कार बताए हैं, आजकल वही प्रचलित हैं क्योंकि ये व्यास जी का युग चल रहा है। इन संस्कारों में सबसे पहले गर्भाधान है, फिर पुंसवन है, फिर सीमंतोन्नयन है, फिर जात कर्म है। यहाँ तक तो बच्चा पैदा हुआ, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, ये तीन गर्भ बाहर आने के पहले ही हो जाता है गर्भ में ही, और जात कर्म उसके पैदा होने पर होता है। उसके बाद 12वें दिन नामक क्रिया, और फिर 1 महीने में श्रुतिका गृह से बाहर, अब वो जनता में आ गया। जैसे ही श्रुतिका गृह से बाहर आता है फिर अन्नप्राशन होता है, उसको बल दिया जाता है और उसके बाद उसका मुंडन होता है, चूड़ाकरण, चौल क्रिया, यहीं से शुरुआत होती है। व्यक्ति की शुरुआत कहाँ से हो रही है? अभी तो वो अन्नप्राशन करके खाने पीने लगा, उसके बाद मुंडन होता है ना। तो ये मुंडन बहुत महत्वपूर्ण है,
मुंडन के बाद ही करण भेद होता है। माने पहले चूड़ाकरण किया, चोटी रखी और उसके बाद कर्ण भेद कर दिया, माने अब कान में सुनाना है, उपदेश देना है। तो जैसे चूड़ाकरण के बाद कर्ण भेद होता है, ऐसे ही गुरु तब उपदेश करते हैं जब पहले चूड़ामणि पढ़ा दें, चूड़ा कर्म संस्कार समझ लो। तो भगवान शंकराचार्य हम लोगों का सबसे पहले चूड़ाकरण संस्कार कर रहे हैं कि इनको वेदांत सुनाना है। वेदांत सुनने का अधिकार इनको कब मिलेगा? जब इनका चूड़ाकरण हो जाएगा। तो ये जो चूड़ामणि आपको बताई जा रही है, ये किस लिए बताई जा रही है? ताकि आपका चूड़ाकरण संस्कार हो जाए। चूड़ाकरण संस्कार के बाद तब कर्ण भेद होगा, तब कान में उपदेश बताया जाएगा। बात यह है कि हमारे यहाँ नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मूत्रार्थ फलभोग विराग और समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षा, ये चार जो है होना जरूरी है। साधन चतुष्टय इनको कहते हैं। वेदांत ज्ञान का अधिकारी कौन है? कोई भी नहीं है। जिसके पास ये चार चीज़ें हों वो वेदांत ज्ञान का अधिकारी होता है। चार चीज़ें कौन कौन सी? जिनको साधन चतुष्टय कहते हैं। ये चार साधन लेके आओ तब हम तुमको ज्ञान बताएं। जैसे हमको दूध देना हो इनको, तो हम क्या कहेंगे? भाई कटोरा गिलास लेके आओ, ले लो दूध, यही ना। तो कटोरा गिलास के बिना दूध दे देंगे तो क्या होगा? सब गिर जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए कटोरा गिलास की ज़रूरत है, तब आपको दूध दिया जा सकता है। उसी तरह से चार साधन आपके पास हों तो आपको वेदांत ज्ञान दिया जा सकता है। वो कौन कौन से? तो सबसे पहला ही साधन है नित्यानित्य वस्तु विवेक। इसलिए सबसे पहले साधन आपके पास उपलब्ध कराने के लिए भगवान शंकराचार्य आपको विवेक चूड़ामणि पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। नित्यानित्य वस्तु विवेक, उसके बाद यह मूत्रार्थ फल विराग। जब आपको पता चल जाएगा, सचमुच इस बात का एहसास हो जाएगा कि एक सद्वस्तु ब्रह्म ही है, बाकी सब अनित्य है, तो अनित्य में क्या प्रवृत्ति? इसलिए यह मूत्रार्थ फल भोग विराग हो जाएगा, माने इस संसार के भोग और स्वर्ग के भोगों में वैराग्य हो जाएगा कि अरे ये तो झूठे हैं, क्षणिक हैं, नश्वर हैं, इनमें क्या जाना। और फिर समाधि षटक संपत्ति आ जाएगी, शम दम तितिक्षा, श्रद्धा समाधान आदि, और फिर मोक्ष की इच्छा जाग जाएगी। ये चार चीज़ें जिसके पास होती हैं उसी को वेदांत का ज्ञान बताया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली संपत्ति क्या है? नित्यानित्य वस्तु विवेक, माने विवेक, वही विवेक बताने के लिए, माने सबसे पहली संपत्ति आपको प्रदान करने के लिए, सबसे पहला साधन आपको देने के लिए भगवान शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि नाम के ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं। माने आप समझ लो कि आदि शंकराचार्य जी हम लोगों के माता पिता हैं, और अब हमारा जन्म हो गया, अन्न प्राशन हो गया, तो अब हमारा मुंडन करवाने जा रहे हैं कि इनको इनका मुंडन हो जाए। पहले इसका चूड़ा बना दें और उसमें मणि लगा दें, फिर बाद में कर्णवेद करेंगे तो कान में सुनाएंगे उपदेश, यही ना। गृहस्थों के यहाँ मुंडन होता है, चूड़ा बनाई जाती है, उसमें मणि पहनाई जाती है, फूल वूल पहना देते हैं ना, चूड़ा में लाल पीले फूल पहना देते हैं बच्चे बच्चियों को, धागा लगा देते हैं, रबर बैंड लगा देते हैं लाल पीला। अब जिसके पास मणि नहीं है यही लगा देगा, जिसके पास मणि होती है वो मणि लगा देता है। तो जैसे बच्चे का चूड़ा बना करके उसमें मणि पहना दी जाती है, तैयार कर दिया जाता है कि अब जाओ बेटा विद्यालय जाओ, अब जाओ अमुक जगह जाओ, उसी तरह से हमारे गुरु जी मुंडन संस्कार करके, भाई किसी गुरु के पास जब कोई जाता है तो क्या होता है? मुंडन ही तो पहले होता है कि हमने मुड़ दिया, है ना। तो मुंडन होता है, तो ये मुंडन हुआ माने अब शुरुआत हुई और चूड़ाकरण कर रहे हैं, और उसमें चूड़ा में मणि लगा दे। अब इसके बाद आपको अगर ये आपने कर लिया तो उसके बाद आप अधिकारी होने लग जाएंगे। तो जैसे गृहस्थों के यहाँ मुंडन होता है, चूड़ा बना करके चूड़ामणि लगाई जाती है, उसी तरह से सन्यासियों के यहाँ भी मुंडन होता है, लेकिन चूड़ा नहीं बनाई जाती,
क्यों? क्योंकि विवेक रूपी चूड़ा उत्पन्न किया जाता है। क्या आपको विवेक रूपी चूड़ा दी जा रही है ना? माने अब हम चोटी की चूड़ा नहीं बनाएंगे, अब हम विवेक की चूड़ा बनाएंगे, विवेक संपन्न बनेंगे, ठीक है ना? अब हम विवेक रूपी मणि धारण करेंगे। ऐसा अहंकार, ऐसा भाव शिष्य के मन में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु मुंडन करके यही कहना चाहता है। तो वो चूड़ामणि माने वेदांत शास्त्र का आपको हम अधिकारी बना रहे हैं। अधिकारी बन जाओगे तो तुमको हम उपनिषद का ज्ञान, वेदांत का ज्ञान प्रदान करेंगे, तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इसीलिए ग्रंथ का नाम विवेक चूड़ामणि रख रहे हैं, ठीक है? तो ये जो ग्रंथ हम लोग पढ़ने के लिए उद्यत हुए हैं भगवान शंकराचार्य जी का, वो विवेक चूड़ामणि है। उसके नाम के बारे में हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की। विवेक चूड़ा और मणि तीन शब्दों से मिल करके विवेक चूड़ामणि शब्द बना था। हम लोगों ने विवेक शब्द को समझने का प्रयास किया, चूड़ा शब्द को समझने का प्रयास किया, मणि शब्द के बारे में भी थोड़ी चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन आप जानते ही हैं और अभी 9 बज गया है, 8 बजे से 9 बजे तक का अपना ये कार्यक्रम था, समय की मर्यादा का उल्लंघन करना उचित नहीं है, इसलिए आज यहीं पर विराम दे रहे हैं। कल मणि के बारे में थोड़ी सी चर्चा करके विवेक चूड़ामणि में कौन सा समास है, क्या तात्पर्य है इस शब्द का, इसको देखते हुए फिर हम लोग मंगलाचरण करते हुए ग्रंथ में आगे बढ़ेंगे। ये जो विवेक चूड़ामणि की कक्षा है, इस कक्षा को हम लोगों ने 8 बजे से 9 बजे तक का समय निर्धारित किया है। इसको लाइव भी किया जा रहा है। कहाँ पे लाइव किया जा रहा है? फेसबुक 1008.गुरु फेसबुक पेज में लाइव किया जा रहा है। तो जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं प्रत्यक्ष, वो लोग जहाँ हैं वहीं से इस चर्चा को, विचारणा को सुन सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। ये जो चर्चा है, ये सामने जो बैठे हमारे भाई बहन हैं, बंधुगण हैं, इनकी समझ को दृष्टिगत रखते हुए सरल से सरल करके बताने की कोशिश के साथ किया जाएगा, की जाएगी ये चर्चा। इसलिए उसी अनुसार आप लोग श्रवण करिएगा। कोई विद्वज्जन हो तो उनको मन न लगे तो उसके लिए हमने स्पष्टीकरण कर दिया कि सामने बैठे हुए जो जिज्ञासु हैं उनकी बुद्धि में बोधगम्य हो जाए, ऐसा दृष्टिकोण रखते हुए ये विवेक चूड़ामणि चर्चा हम लोग करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति 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 ही।